हेलो स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज हम 5.3 बताएंगे। इधर बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए मैं चला गया था, इसलिए थोड़ा सा क्लासेस डिस्टर्ब रहे, लेकिन कल जो है वो लास्ट कॉपी करेक्शन रहेगा। अब बोर्ड के कॉपी करेक्शन अब ख़त्म हो गया है, इसलिए अब फिर रेगुलर क्लासेस जो होंगे वो अपने निर्धारित समय अनुसार जो पढ़ाए जाते थे, 10 से 11 और 3 से 4, अब क्लास 10th के वही समय पे क्लास चलेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है 5.3, कल जो है 5 बजे से क्लास रहेगा 10th ए और 10th सी को। तो हम जो है अभी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन बता रहे हैं। आई बात समझ में? तो जा देखिए, ध्यान से देखें कि नीचे दिए गए श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। अब समझ लीजिए क्या दिया है, सीरीज क्या दी गई है। नंबर पहला, फर्स्ट दिया हुआ है 7 प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। ये नंबर, ये क्या है, ये फर्स्ट है। और सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड देखिए लिखा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। आप इसमें क्या क्या देख रहे हैं? पहला पद ये दिखाई दे रहा है, अंतिम पद दिखाई दे रहा है, या ये अनवा पद दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बीच में कितनी संख्या आएंगी ये नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब क्या चाहिए हमको? पहले हमको एन चाहिए, कितने पद होंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम क्या निकाला है इसमें, इसमें एन निकाला है। ये नहीं दिया है 10 पदों का युगफल ज्ञात कीजिए, 20 पदों का युगफल ज्ञात कीजिए, क्या नहीं है इसमें, एन नहीं है। आई बात समझ में? तो देखो क्या है, पहला पद इसका क्या है, पहला पद ए इक्वल टू 7 है, और सार अंतर कितना है, ये देखिए 10 से 1/2 -7। तो इसको सॉल्व करें, 10 दूना 20 1 21/2 -7, इसका एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया, 21 -7 दूना 14, तो कितना होगा 7/2, ए डी का मान निकल गया। ठीक है, एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एन इक्वल टू ये देखिए लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है इसका, 84 दिया है, लिख देंगे 84। एपी का फार्मूला जानते ही हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान कितना है 84 है, तो लिख देंगे 84 इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है, पहला पद भाई 7 प्लस एन माइनस वन पता नहीं, डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ देखिए 7/2, ठीक 7/2 है। अब इसमें से हम इसको इधर पक्षांतर कर दें तो क्या लिखेंगे, 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस वन 7/2। 84 में से ये 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर 77 बचेगा, ये देखिए 14 में से 7 गया 77 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7/2, ये 7 से इसको कैंसिल कर दो, 11 7 77। तो क्या हुआ, 11 इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन 2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूना 22 इक्वल टू एन माइनस वन, इम्प्लाइज दैट एन इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा प्लस होगा, तो कितना हो गया 23 हो गया। ये देखिए एन का पता चल गया। अब योगफल क्या लिखते हो, अतः अभीष्ट योगफल एस इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सबका मान रखो, एन की वैल्यू कितना आया यहाँ,
23 अपॉन 2, 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का वैल्यू 7 है, प्लस एन का मान यहाँ से देखिए 23 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 7/2, ब्रैकेट ले लीजिए, चलिए 23 अपॉन 2, ए 7 × 6 होता है, प्लस ए हुआ 22 इंटू 7/2, 2 से इसको कैंसिल कर दें, 11 × 22, ठीक है। अब होगा 23 अपॉन 2, यह 14 प्लस 11 × 7 का 11 × 7 = 77। अब जोड़ दो इसको भाई, 4 और ये कितना है, 4 × 7 = 4 = 11, 1 हुआ हासिल भी, 1 हुआ, 7 × 8 = 9, 91 इंटू 23 अपॉन 23 अपॉन 2 हो गया। ये देखिए अब इसका हम क्या करें, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 91 23 3 27, यहाँ होगा 2 18, ये हुआ 3 9 0 और ये हुआ 2, कितना हुआ 293 अपॉन 2। चलिए 2 से इसको काट दें तो कितना होगा, काट पीट के यहाँ देखिए 2 से काटेंगे तो ये हुआ 10 हो गया, 10 होगा 10 × 2, यहाँ क्या है यहाँ 9 बचेगा तो यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ कितना होगा 6 हो गया, 1 बचा है तो 6.5, बात समझ में आ गई। तो कितना आंसर होगा 10 4 6.5, ये आंसर हो गया इसके योगफल, बात समझ में आ गया। इसको कैसे करेंगे, इसका योगफल ये, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसी पे आधारित है, एक क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा भी, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले हमको क्या निकालना है, हमको पहले एन निकालना है, एन जब हमको पता हो जाएगा तो एन जब पता होने के बाद क्या करना है, उसमें यस में वैल्यू रख देना है। चलिए इसका दूसरा पार्ट भी देखिए, 3 पार्ट है, एक आप करेंगे सेकेंड पार्ट। लिखा है 34 + 32 + 30 + 10, ठीक। देखिए प्रथम पद a इक्वल टू 34 है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, सर्वांतर d इक्वल टू 32 − 34 = −2, an इक्वल टू कितना है 10 है, क्या नहीं पता है an, पता नहीं an को हम वैल्यू निकालेंगे, तो फार्मूला जानते हैं an इक्वल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, यहाँ cl लिख देना है, ठीक है। चलिए वैल्यू रखिए, an की वैल्यू कितना है 10 है, a की वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या लिखा है 34 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है −2। अब ये 34 यहाँ 10 − 34 इक्वल टू माइनस एन माइनस 1 इंटू 2 हो गया। अब ये 34 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा −24 इक्वल टू माइनस एन माइनस 1 इंटू 2। अब देखिए माइनस ए माइनस दोनों कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे कितने बार हो जाएगा 12 होगा, तो कितना होगा 12 इक्वल टू एन माइनस 1। अब 1 को इधर कर दो तो 13 इक्वल टू एन, एन की वैल्यू निकल गई, यही हमको निकालना था, एन की वैल्यू ही निकालना था, तो एस एन इक्वल टू क्या लिख देंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a + n − 1 इंटू डी हो गया। चलिए एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू है 13 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है
34 है, प्लस n का मान है 13 माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस, तो इसी को सरल कर लेते हैं आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, 13/2 ए 34 दुना होता 68 प्लस यहाँ देखिए 12 होगा, 12 × -2 तो 13/2 68 है, इसमें देखिए -24 होगा। अब घटा के रख दें ये हुआ 13/2, ये देखिए 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 2 घटा दिया कितना बचेगा 4 बचेगा, इसको काट देंगे तो ये होगा 22, यानी 13 × 22 इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है 22 30 कितना होगा 3 × 2 = 6 और 66 हो गया, ये 22 हो जाएगा, 6 8 2 कितना होगा 286 हो गया, 286 इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 286 हो गया आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है 3 में बहुत कुछ दिया हुआ है, उसको हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक आदमी को ऐसे देख ले, क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसका पहला वैल्यू निकाल लें, इसमें दिया है a इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 और an इक्वल टू है 50। इसमें हमको निकालना है n निकालना है और an निकालना है, ये तो आसानी है, यही तो हमने निकाल रहा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो कर लेंगे ना इसको। देखिए सबका वैल्यू दिया है, an इक्वल टू a प्लस n − 1 × d से, ठीक an इक्वल टू 50, a का वैल्यू 5 प्लस n − 1 d की वैल्यू 3, यह देखो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना होगा 50 − 5 n − 1 × 3 तो ये कितना होगा 45 इक्वल टू n − 1 × 3 तो 15 × 3 = 45 ये 15 हो गया, तो क्या लिखेंगे 15 = n − 1 अब n को इधर कर दें तो क्या लिखेंगे 15 + 1 an तो n इक्वल टू 16 हो गया, an का मान निकल गया, ये देखिए एक वैल्यू निकल गया और दूसरा क्या निकालना है एस एन की वैल्यू, एस एन इक्वल टू देखिए एस एन इक्वल टू n/2 2a + n − 1 × d से, चलिए n का मान 16 है, 16/2 2 × a का वैल्यू 5 प्लस 16 − 1 और d का वैल्यू है 3, ये देखिए चलिए 16 से काट देंगे तो 8 होगा, 8 5 × 10 हो गया प्लस ये 16 में से एक जाएगा कितना होगा 15 × 15 = 45 45 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 × 55 हो गया, 8 × 5 = 40 8 × 5 = 44 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला बता दिया, 1 से लेकर के इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है, आप ये होमवर्क रहेगा इसको करो और जो समझ में ना आता है कल जो है इसको बताएंगे, इसको बाकी पूछना है, तो पहले आप इसको एक बार देखिए कैसे किया जा रहा है, फिर करने के बाद उसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।